बीते एक दिन पहले बागपत से चलकर लोनी आने वाली एक रोडवेज बस में बस के ड्राइवर के द्वारा हेलमेट लगाकर बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चलें, रोडवेज बस का आगे का शीशा रोड पर चलने पर रोडवेज बस से टकराकर टूट गया था और तेज बारिश में बस को चलाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि बस के अंदर लोनी आने वाली बहुत ही सवारियां बैठी हुई थी, जिनको लेकर बस ड्राइवर के द्वारा हेलमेट लगाकर बस को बागपत से लोनी तक पहुंचाया गया। श्री भूदेव से बन गई गाड़ी, अभी 4:15 पर शाम को आई, तो हमने गेट पर जब इसे चेक करा तो इसके दोनों शीशे नहीं थे। तो हमने जब चालक से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक अनुबंधित गाड़ी से लग गई थी, जिसका एक शीशा टूट गया है जो गाड़ी में रखा है, एक टूट गया है और इसमें एक लाइट डैमेज भी है और ये सो दबी हुई है, ये चालक ने हमें बताया।